वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग एनसीजीएम ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलिमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। एनसीजीएम ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से पेश किया जा रहा है। सब्जेक्ट है हमारा साइंस। मैं हूं आपकी टीचर अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। जनरल साइंस सातवीं जमात के लिए आज का हमारा 14 चैप्टर नंबर 14 एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स अनासिर मुरक्कबात और आमेजे पार्ट टू। सबक शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इस सबक के सीखने के बाद आमोजिश के महसल क्या होंगे। तो बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि बता सकें आमेजा किसे कहते हैं, आमेजे के अज्जा अलग करने के मुख्तलिफ तरीके कौन से हैं, अमल कशीद किसे कहते हैं, तफरीकी तरीका, मरकज गुरेज का तरीका, लोन निगारी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? एक ग्लास है, ग्लास में पानी है। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कौन सी धातुओं का इस्तेमाल करते हैं? तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, मुख्तलिफ किस्म की धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग बताएंगे बच्चे कि हवा में कौन कौन से अनासिर पाए जाते हैं, है ना? इससे कबल के चैप्टर में हमने पढ़ चुके हैं अनासिर के बारे में, मुरक्कब के बारे में। तो हवा में कौन कौन सा अनासिर पाया जाता है? हवा में ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और हीलियम गैस होती है, और भी मुख्तलिफ गैसें होती हैं। अब आप लोगों को बताना है कि जलने में मदद करने वाला अंसुर कौन सा है, कौन सा अंसुर है जो जलने में मदद देता है? तो आप लोगों को पता है इस बात के बारे में कि जलने में जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है मदद करती है। दूसरा सवाल है कि क्या पानी जलने में मदद देता है? सोचिए बच्चों, जो आग बुझाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पानी का, है ना? आग जब लग जाती है तो हम उस पर पानी का छिड़काव करते हैं ताकि आग बुझ जाए। तो क्या पानी जलने में मदद देता है? क्या नहीं, पानी जलने में मदद नहीं देता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो पानी मुरक्कब नाम है, पानी का मुरक्कब, वो किस अंसुर से मिलकर बना हुआ है। अब हम देखेंगे पानी का सालमी जाब्ता। ठीक है, पानी जो है वो आग बुझाने के काम आता है। पानी दो अंसुर से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन के दो अंसुर और ऑक्सीजन के एक अंसुर को मिलाने से पानी बनता है। हाइड्रोजन गैस जो है वो एहतराक पजीर है, मतलब जलने वाली है, इसलिए ये खुद जलती है, और ऑक्सीजन गैस जो है वो जलने में मदद देती है। लेकिन इन दो अनासिर के मुरक्कबात से बना हुआ मुरक्कब पानी, ये आग बुझाने में मदद देता है, आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे क्या समझ में आता है हमें? इससे समझ में आता है कि मुरक्कब की खसूसियात उसमें मौजूद अनासिर की खसूसियात से मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, हमने इससे पहले के सबक में सीखा था कि मुरक्कब अंसुर का नाम लिखते वक्त हम उसके मुखफ्फफ शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये दो अंसुर यहाँ पर पानी के सालमे में मौजूद हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए हम ओ का इस्तेमाल करेंगे और हाइड्रोजन के लिए हम एच का इस्तेमाल करेंगे। अब जो अंसुर जितनी मकदार में रहेगा उसके आगे हम उसकी तादाद लिखते हैं। हाइड्रोजन जो है वो दो है, इसलिए हम H2 लिखेंगे, और ऑक्सीजन जो है वो एक है, इसलिए हम O लिखेंगे। तो किसी भी मुरक्कब का नाम लिखते वक्त अंसुर की तरह मुखफ्फफ शक्ल में लिखते हैं। मुरक्कबात के जौहर में दो या दो से ज़ायद अनासिर के जवाहिर कीमियाई मिलाप के ज़रिए एक जगह आते हैं, इसलिए मुरक्कब को ज़ाहिर करने के लिए सालमी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं।
देखिए यहाँ पे आप लोगों को सालमी ज़ाब्ता बताया गया है। मुरक्कब में शामिल अनासिर की अलामतें और उनके जवाहिर की तादाद की मदद से जब किसी मुरक्कब को लिखा जाता है तो वो उसका सालमी ज़ाब्ता यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। क्या करा जाता है यहाँ पे, जो अंसुर शामिल होते हैं उनके जौहर की तादाद लिखी जाती है, उसमें कितने एटम्स हैं उनकी तादाद लिखी जाती है, तो वो जो ज़ाब्ता कहलाता है वो सालमी ज़ाब्ता कहलाता है। जैसे कि पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दो अंसुर होते हैं, ऑक्सीजन का एक एटम होता है पानी में और हाइड्रोजन के दो एटम होते हैं। इस वजह से देखिए यहाँ पे आप लोगों को दो एटम दिखाए भी गए हैं, तो हाइड्रोजन के दो एटम यानी H2 लिखेंगे हम और ऑक्सीजन का एक आइटम यानी ओ, तो दोनों के मिलाप से नया सालमा नया मुरक्का बनेगा H2O। क्या बनेगा? H2O। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, और मालूमात हासिल करके जदोल बनाना है। नमक, किटकिरी, नीला तूतिया, नौसादर, खाने का सोडा, चाक, धोने का सोडा जैसे मुख्तलिफ मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते और मुरक्कबात में मौजूद अनासिर के नाम लिखना है। हमें किताब में एक जदोल दी गई है, उस देखिए यहाँ पर सबसे पहला कॉलम है मुरक्कब, उसके बाद दूसरा कॉलम है शामिल अनासिर, ज़ाब्ता वो जवाहिर की तादाद, सालमी ज़ाब्ता और मखसूस मालूमात। पानी, पानी में शामिल अंसुर कौन से हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के दो एटम होते हैं, ऑक्सीजन के एक एटम होते हैं, उसका सालमी ज़ाब्ता H2O, और इसके बारे में हमारे पास क्या मालूमात है कि ये मुरक्कब है, पानी एक मुरक्कब है, माए है, आग बुझाने में मदद करता है। आगे देखेंगे नमक, नमक ये भी एक मुरक्कब है, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में नमक के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, खाने में नमक के ज़रिए ही हमें टेस्ट मालूम पड़ता है, तो नमक इन दो अनासिर से मिलकर बनता है, सोडियम और क्लोरीन इन दो अनासिर से मिलकर बनता है। नमक में सोडियम का एक जौहर होता है और कैल्शियम क्लोरीन का एक जौहर होता है, जौहर बोले तो एटम। इसका सालमी ज़ाब्ता होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, और इसके बारे में मालूमात है कि ये गिज़ा की तैयारी में मदद करता है, गिज़ा के लिए तहफ़ुज़ी शय है ना। हम जब अचार मुरब्बे वगैरह बनाते हैं तो उसमें नमक ज़्यादा तादाद में डालते हैं ताकि हमारी जो गिज़ा है वो ज़्यादा दिनों तक महफूज रह सके। आगे का हमारा मुरक्कब दिया हुआ है फिटकरी। फिटकरी जो है ये पोटाशियम, एलुमिनियम, सल्फ़र, ऑक्सीजन इन तमाम अनासिर से मिलकर बनती है। फिटकरी में पोटाशियम जो है के उसके दो जौहर होते हैं, एलुमिनियम के दो जौहर होते हैं, सल्फ़र यानी के कॉपर के दो चार जवाहिर होते हैं, हाइड्रोजन के 48 जौहर होते हैं, ऑक्सीजन के 40 एटम्स यानी के जवाहर होते हैं। फिटकरी का सालमी ज़ाब्ता है K2SO4 Al2SO4 324H2O। फिटकरी जो है वो दवाओं में इस्तेमाल की जाती है और पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बड़ी बड़ी पानी की जो टंकियाँ होती हैं उनको साफ करने के लिए उसमें फिटकरी डाली जाती है, ये हमें सबको पता है। मुरक्कब है नीला तूतिया, नीला तूतिया यानी कि कॉपर सल्फेट, इसमें कौन से अनासिर शामिल हैं, तो ऑक्सीजन है, कॉपर है, सल्फर है, कॉपर यानी के तांबा और सल्फर यानी के गंधक, तो तांबे के इसमें एक जौहर है, सल्फर का एक जौहर है और ऑक्सीजन का चार जौहर है। इस तरीके से इसका सालमी ज़ाब्ता बनेगा CuSO4 5H2O। इसके बारे में हमारे पास मालूमात है कि यह जराशीम कुश के तौर पर इस्तेमाल होता है, रंगों में इस्तेमाल किया जाता है इनका रंग बनाने के लिए, और फफूंदी को ख़त्म करने के लिए नीला तूतिया इस्तेमाल करते हैं। जो स्किन डिसीजेज होती है मुख्तलिफ किस्म की फंगस की वजह से फंगल इन्फेक्शन जो हो जाता है, तो उनको ख़त्म करने के लिए जो मरहम बनाया जाता है उसमें नीला तूतिया कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जरासीम कुश है। इसके बाद का हमारा मुरक्कब है नौसादर। नौसादर जो है वो अमोनियम क्लोराइड उसको कहेंगे, इसमें दो अंसुर शामिल होते हैं अमोनिया और क्लोरीन। इसमें एन जो है वो 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है नाइट्रोजन के, और यहाँ पर क्लोरीन के 1 एटम है, तो यहाँ पे NH4Cl।
हाथ की तैयारी में नौसादर का इस्तेमाल किया जाता है, बर्तनों की कलाई में और दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे का हमारा मुरक्कब है खाने का सोडा। खाने का सोडा जो है वो हम हमारे घरों में डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर कौन से अनासिर शामिल हैं, तो सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इसके अंदर सोडियम का एक अंशु शामिल है, हाइड्रोजन का एक अंशु शामिल है, कार्बन का एक अंशु शामिल है और ऑक्सीजन का तीन जौहर शामिल है। सॉरी, मैंने यहाँ अंशु कहा जबकि ये जौहर है, एटम मतलब जौहर। इसका जाप्ता है NaHCO3। क्या जाप्ता है खाने के सोडे का? NaHCO3। तो इसका इस्तेमाल बेकरियों में, केक बनाने में, बावर्ची खाने में, आग बुझाने के आले में। देखिए, हमारे घरों में जब हम चना या फिर रगड़ा वगैरह बनाते हैं तो अपनी अम्मी क्या करते हैं, चना या रगड़ा बटाने को गलाने के लिए उसमें क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा खाने का सोडा, जिसकी वजह से चने और जो बटाने हैं वो बहुत जल्द गल जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है वो बेकरी में केक बनाने के लिए, बेकिंग के आइटम में और बावर्ची खाने में, आग बुझाने के आले में किया जाता है। आगे देखेंगे हम चौक या फिर खरिया। हम स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए जो पेन का इस्तेमाल करते हैं वो चौक है या फिर खरिया है। इसके अंदर शामिल अनासिर हैं कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। कैल्शियम का एक अंशु इसमें जौहर शामिल होता है, कार्बन का एक जौहर शामिल होता है और ऑक्सीजन का तीन जौहर इसमें शामिल होता है। इसका सालमी जाप्ता है CaCO3। क्या है इसका सालमी जाप्ता? CaCO3। ये तामीरी कामों में और सीमेंट की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखेंगे बच्चों, आपकी किताब में दो अमल करना है आप लोगों को, शरबत बनाना है। देखिए यहाँ पर शरबत बनाने का काम किस तरह किया जा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास ज़रूरी अशिया होनी चाहिए, हमारे पास होना चाहिए पानी, शक्कर और साथ ही कोई सिरप जिसका हमें फ्लेवर डालना है शरबत में, वो होना चाहिए। तो हम सबसे पहले हमारी ज़रूरत के मुताबिक पानी लेंगे, उसमें शक्कर डालेंगे हमारे जायके के मुताबिक। किसी को बहुत मीठा पसंद होता है, कोई कम मीठा पीना पसंद करता है। तो शक्कर पानी में डालने के बाद हम उसे अच्छे तरीके से चम्मच से घोल लेंगे कि शक्कर जो है वो पानी में हल हो जाए। अब देखिए यहाँ बच्चों, पानी जो है वो महलूल है और जो शक्कर हमने डाला है वो है मुन्हिल। देखिए अब यहाँ पे सिरप डालेंगे हम हमारे फ्लेवर के हिसाब से, कोई सा भी आप सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लीमू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लीमू शरबत भी बना सकते हैं। इस वीडियो को दिखाने का मकसद क्या है, यानी कि हम मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स करके एक दूसरे में मिलाकर शरबत बना रहे हैं, है ना। तो क्या इससे बुनियादी जायके में कोई फ़र्क वाकई हुआ? नहीं हुआ। क्या कोई नई शय तैयार हुई? नहीं, बल्कि हमने दो तीन चीज़ों को मिक्स मिलाकर उनका एक मिक्सचर तैयार किया और यही कहलाएगा आमेज़ा। मुख्तलिफ अनासिर या मुरक्कबात एक दूसरे में मिलाने से आमेज़ा तैयार होता है। आमेज़े के मुख्तलिफ अज्जा का तनासुब मुतय्यन नहीं, आमेज़ा तैयार होते वक्त किसी किस्म की कोई कीमियाई तब्दीली नहीं होती। अब देखिए हम दूसरी मिसाल के ज़रिए देखेंगे, भेल बनाइए। अब यहाँ पर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चटपटी चीज़ें खाने बहुत पसंद करते हैं। अक्सर शाम के वक्त में हमारा कुछ तो चटपटा खाने का मन करता है, तो हम घर में भी भेल बना सकते हैं या फिर बाहर से भी खरीद कर खाते हैं। अब भेल जो है वो क्या है, आप लोग देखिए यहाँ भेल बनाने के लिए कौन सी सामग्री की, कौन सी अशिया की ज़रूरत होगी हमें। तो भेल बनाने के लिए मुरमुरा, सेव, टमाटर, कोथमीर, पुदीना, प्याज, कैरी, कुछ उबली हुई दालें, चटनी, हरी चटनी वगैरह, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर हम भेल बनाते हैं। ठीक है, देखिए तमाम चीज़ों को हम सिर्फ मिक्स कर देंगे तो भेल हमारी तैयार हो जाती है। हम दो तरह की भेल खाते हैं, हम गीली भेल भी खाते हैं और सूखी भेल भी खाते हैं, है ना।
तो यहाँ पर सिर्फ चीज़ों को मिला देने से जो चीज़ तैयार होगी हम उसे भेल कहते हैं और यही आमेज़ा है। मुख्तलिफ चीज़ों, मुख्तलिफ अनासिर या मुरक्कबात को एक दूसरे में मिलाने से क्या तैयार होता है, आमेज़ा तैयार होता है। और आमेज़े के मुख्तलिफ अज्जा का तनासुब मुतय्यन है क्या, फ़िक्स है क्या कि ये चीज़ इतनी ही पड़नी चाहिए उसमें? नहीं, बल्कि हम हमारी पसंद और हमारे टेस्ट के मुताबिक उसमें चीज़ें शामिल करते हैं। किसी किसी को सूखी भेल पसंद होती है तो वो उसमें चटनी नहीं डालेगा, ऐसा सूखा बनाकर खाएगा जैसे कि आप देखिए तस्वीर में दिखाया गया है। और कोई गीली भेल खाना पसंद करता है, यानी कि जो आमेजे के अज्जा हैं उनका तनासुब मुतय्यन नहीं है और ना ही इसमें कोई कीमियाई तब्दीली हो रही है। हमने हरारत भी नहीं पहुंचाई है, ना ही कोई कीमियाई अमल हुआ है। आमेजा बनते वक्त नया मुरक्कब भी तैयार नहीं होता है। तो बच्चों, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आमेजा किसे कहते हैं। मुख्तलिफ अनासिर या मुरक्कबात के एक दूसरे में मिलाने से आमेजा तैयार होता है। लोगों को तारीफ रिटर्न में भी बताई गई है कि मुख्तलिफ अनासिर या मुरक्कबात एक दूसरे में मिलाने से आमेजा तैयार होता है। आमेजे के मुख्तलिफ अज्जा का तनासुब मुतय्यन नहीं होता, यानी कि फिक्स नहीं होता। हम हमारी मर्जी के मुताबिक उसमें अज्जा डाल सकते हैं, कोई कीमियाई तब्दीली नहीं होगी और ना ही कोई नया मुरक्कब या नई शय तैयार होगी। ये तो भला के रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले आमेज़े कौन से हैं? डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी अशिया इस्तेमाल करते हैं कि जो आमेज़ा हैं, जैसे कि रोज़ाना हम सुबह में चाय, कॉफ़ी या दूध का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसी तरीके से शरबत, फालूदा, भेल, कोई मखलूत धात जैसे कि फौलाद, पीतल वगैरह, ये तमाम किसकी मिसालें हैं? ये तमाम जो है वो आमेज़े की मिसालें हैं। इसी तरीके से दूसरा हमारा सवाल है, क्या सारे आमेज़े हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं? तो जी नहीं, सारे आमेज़े हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ आमेज़े में मिलावट कर दी जाती है। दवाएं, जहर आलूद गिज़ाई अज्जा होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि रवा, नमक और लोहे के बुरादे के यकजा आमेज़े से हर एक जुज़ किस तरह अलाहिदा करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे पास आमेज़ा है रवा, नमक और लोहे के बुरादे का। अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि इस आमेज़े से हर एक जुज़ को अलाहिदा करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रवा, नमक और लोहे के बुरादे को एक मुसत्तर जगह पर फैला कर रख देंगे और उस पर से मकनातीस घुमाएंगे। लोहे के तमाम बुरादे मकनातीस से चिपक जाएंगे और रवा, नमक आमेज़े की सूरत अलग रह जाएंगे। इस आमेज़े में पानी मिलाने पर नमक तो पानी में हल हो जाएगा, रवा के ज़र्रात हल नहीं होंगे। अमल तकतीर के ज़रिए गैर हल पजीर रवा के ज़र्रात को तकतीरी कागज़ पर से अलाहिदा कर लिया जाएगा। अब नमक के महलूल में से नमक हासिल करने के लिए कशीद का अमल करना होगा। इस तरीके से नमक हासिल हो जाएगा, इस तरह हर जुज़ अलाहिदा हो जाएगा, मतलब अलग किया जा सकेगा। अब हम देखेंगे कि अमल कशीद क्या होता है, हम आगे इसको तफसील से पढ़ेंगे। आमेज़े के अज्जा अलग करने के सादा और आसान तरीके। किसी शय में गैर ज़रूरी और नुकसानदह दूसरी शय मिलाई जाए तो तैयार होने वाला आमेज़ा मुफीद नहीं होता। इस वक्त हम आमेज़े से गैर ज़रूरी अशिया को अलग करते हैं। इसके लिए हम तकतीर छानना, चुनना, निथारना, पछोड़ना, मकनातीस घुमाना, इसी तरह अमल तसीद जैसे सादा और आसान तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम आमेज़े से मुख्तलिफ अज्जा को अलग कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को मुशाहिदा करके गुफ्तगू करना है। पहली तस्वीर में छलनी करके आमेज़े से अज्जा को अलग किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में देखिए चुनने का अमल किया जा रहा है, चुनने के ज़रिए मतलब चुन कर आमेज़े से अज्जा को अलग किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर में आप लोग देखेंगे बच्चों के यहाँ पर एक औरत जो है वो फटकने का काम कर रही है, फसल को, अनाज को फसल से अलग करने का काम
किया जाता है। अनाज में बहुत सारे भूसे और लकड़ी वगैरह होती है, तो जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो तब किसान लोग क्या करते हैं, अनाज को ऊपर किसी टेबल या कोई ऊंची जगह पर खड़े होकर एक सुपड़े के जरिए नीचे गिराते हैं, जिसकी वजह से हवा की तेज़ी की वजह से जो कचरा होता है, जो भूसी होती है, वो उड़ जाती है और साफ़ सुथरा अनाज जो है वो नीचे गिरता हुआ हमें दिखाई देता है। चौथी तस्वीर में देखिए, यहाँ पे तकदीर का अमल दिखाया गया है। आमेजे से तकदीर के जरिए अज्जा को अलग किया जा सकता है। इसी तरीके से ये तस्वीर में देखिए, इसमें बलोने का काम किया जा रहा है। पुराने ज़माने में औरतें जो है वो मक्खन निकालने के लिए, छाछ से मक्खन निकालने के लिए छाछ को इस तरीके से बलोने का काम करती थी। तो ये जो है, ये तमाम अज्जा जो है वो आमेजे के अज्जा अलग करने के सादा और आसान तरीके। कुछ और तरीके भी हम देखेंगे। पहला तरीका है हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन। जब हम अपने घर में अनाज की बोरियां, गेहूं, चावल वगैरह लाते हैं, तो हम उसको साफ़ करने के लिए, उसकी मिलावट को दूर करने के लिए उसमें हम बैठकर उसको चुनते हैं। हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन, चुनकर स्टोन्स निकालते हैं ताकि जो अनाज है वो साफ़ सुथरा हो सके। इसी तरीके से दूसरी तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब होता है फसल से अनाज अलग करना। इस अमल में क्या होता है, कोई लंबा सा पटरा होता है लकड़े का, जिसके ऊपर फसल को उठा उठा कर पटका जाता है, जिसकी वजह से अनाज जो है वो फसल से अलग हो जाता है। देखेंगे विनोइंग। विनोइंग जो है वो फटकने को ही कहते हैं, इंग्लिश में विनोइंग कहते हैं। हवा की मदद से फसल से अनाज अलग करना है ना। हवा बहुत ज़्यादा, जब हवा चलती है तब उस हवा की मदद से फसल से अनाज को अलग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सेविंग। सेविंग का मतलब होता है छानना, और पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सेविंग। देखिए, यहाँ पे जब हमें बारीक रेत हासिल करनी होती है तो हम इस छलनी की मदद से, जो नेमार लोग होते हैं, घर बनाने वाले जो कामगार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, रेत को छान लेते हैं, जिसकी वजह से बड़े जो पत्थर होते हैं वो अलग हो जाते हैं और बारीक रेत जो है वो अलग हो जाती है। आगे हम देखेंगे अमेजे के अज्जा कर अलग करने के कुछ और तरीके, जिसके बारे में हम तफसील से मालूम हासिल करेंगे। अमल कशी, तफरीकी तरीका, मरकज गुरेज तरीका, लोन निगारी, अमल तसई, ये अमेजे के अज्जा अलग करने के तरीके हैं, है ना। हम सादा तरीकों के बारे में जानते हैं, अब हम थोड़े मुश्किल तरीकों के बारे में मालूम हासिल करेंगे। पहला है अमल कशी। कशीद को डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया गया है, अमल करना है। इस अमल के लिए हमारे पास एक गोल पेंदे वाली सुराही होनी चाहिए। सुराही को स्टैंड पर फिक्स करना है, नीचे तिपाई रखना है, तिपाई के ऊपर जाली रखकर उसके बाद ही हमें गोल पेंदे वाली सुराही उस पर रखना है। नीचे हमारे पास बर्नर होना चाहिए, और फिर सुराही को एक कंडेंसर से जोड़ देना है, और नीचे तिकोनी फ्लास्क रखेंगे ताकि जो पानी हम जमा कर रहे हैं वो तिकोनी फ्लास्क में आसानी से जमा हो सके। गोल पेंदे वाली सुराही में थोड़ा नमक मिला हुआ पानी लीजिए। शक्ल में दिखाए हुए तरीके से आलात को तरतीब दीजिए। लोहे की जाली पर सुराही को रख कर गर्म कीजिए। तिकोनी फ्लास्क का मुशाहिदा कीजिए। पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता तिकोनी फ्लास्क में गिरने लगते हैं। ये कतरे कहाँ से आ गए हैं? सुराही में मौजूद नमक का महलूल हरारत की वजह से उबलने लगता है। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है कि जब बहुत ज़्यादा हरारत इस महलूल को मिलेगी, नमक के महलूल को, तो ये उबलने लगेगा। उबलने लगता है, उससे पानी की भाप तैयार होती है। ये भाप कांच की तिरछी नली से गुजरते वक्त बाहर की हवा से ठंडी होकर माए में तब्दील हो जाती है। तिकोनी फ्लास्क में गिरने वाले ये कतरे दरअसल सुराही में मौजूद नमक के महलूल का पानी है। ये जो कतरे गिर रहे हैं, ये क्या है, ये नमक के महलूल का जो पानी है, वो पानी यहाँ पर कंडेंस होकर गिरता हुआ हमें दिखाई देगा।
रुमाल कशीद मुकम्मल होने के बाद सुराही की तह में नमक बच जाता है। गैर खालिस अशिया को खालिस बनाने के लिए अमल कशीद का तरीका इस्तेमाल होता है। देखिए बच्चों, ध्यान रखना है आप लोगों को कि गैर खालिस अशिया को खालिस बनाने के लिए अमल कशीद का तरीका इस्तेमाल होता है। देखेंगे, क्या बादल से बरसने वाला पानी कुदरती तौर पर खालिस होता है? गौर करना है, ठीक है। बरसने वाला पानी कुदरती तौर पर खालिस होता है, तो इसका जवाब है हमारे पास कि बादल से बरसने वाला पानी कुदरती तौर पर तो खालिस होता है, लेकिन ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते इसमें हवा की बहुत सी नुकसानदायक गैसें और गर्द गुबार वगैरह शामिल हो जाते हैं और पानी को गैर खालिस बना देते हैं। हमारा कि अमल कशीद में अशिया की किन खसूसियत का मुशाहिदा होता है? अमल कशीद में मुशाहिदा होता है कि अशिया का माए हालत में मखसूस नुक्ते जोश होता है और गैसी हालत में नुक्ते तकसीफ होता है। आगे का हमारा सवाल है, ये सब किताब हैं, कशीद किए हुए पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ना? अमल कशीद के जरिए जो पानी इस्तेमाल हासिल होता है हमें, उस पानी का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो कशीद किया हुआ पानी खालिस होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल तहकीकी तजुर्बात में, तिब्बी कामों में, पीने और पकाने के कामों में होता है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा तरीका है आमेजे से अज्जा को अलग करने का, तफरीकी तरीका, इसे कहेंगे सेपरेशन मेथड। क्या कहेंगे बच्चों? सेपरेशन मेथड। एक दूसरे में हल ना होने वाले दो मायात के आमेजे को साकिन रखा जाए तो इनकी दो तहें साफ नजर आती हैं। इन मायात में जो माए वजनी होता है वो नीचे रहता है और हल्का माए ऊपर तैरता है। इस खसूसियत का इस्तेमाल करके आमेजे से दो मायात अलग कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक अमल करना है, पानी और मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल बोले तो रॉकेल है ना, उसका आमेजा ढक्कन वाली तफरीकी कैफ में डालिए। देखिए यहाँ पे ढक्कन वाली तफरीकी कैफ यहाँ पे आपको बताई गई है, तो ढक्कन वाली तफरीकी कैफ में हमें क्या लेना है? पानी और रॉकेल, मिट्टी का तेल लेना है। शक्ल में बताए गए तरीके से कैफ को स्टैंड पर मजबूती से लगाइए। कैफ में आमेजे को साकिन होने दें, मतलब जो हमारा आमेजा है उसे हिलना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल साकिन हालत में होना चाहिए। पानी नीचे रहता है क्योंकि वो भारी है और मिट्टी का तेल ऊपर तैरता रहता है क्योंकि वो हल्का है। अब कैफ को साकिन ही रखते हुए उसका ढक्कन निकालिए। कैफ की टोंटी, अब देखिए यहाँ पे कैफ में यहाँ टोंटी लगी हुई है, टोंटी खोलकर नीचे का पानी एक बीकर में जमा कीजिए। अब जैसे ही हम यहाँ की टोंटी खोलेंगे, ये जो पानी है वो कतरा कतरा गिरकर बीकर में जमा होने लगेगा। पूरा पानी बीकर में जमा होने के बाद कैफ की टोंटी जो है वो बंद कर दीजिए। ऐसा करने से मिट्टी का तेल और पानी जो है वो अलग हो जाता है ना। तो दो मायात को हमें अलग करने के लिए सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। दो मुख्तलिफ मायात को इस अलग करने के लिए, उसके अज्जा को अलग करने के लिए हम सेपरेशन मेथड यानी तफरीकी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। मरकज गुरेज का तरीका, मरकज गुरेज का तरीके में किस लिए इस्तेमाल? गदला पानी, रोशनाई, छाछ, खून, दूध, ये सब माए और नाहल पजीर ठोस के आमेजे हैं। गदला पानी कुछ देर साकिन रखने पर उसमें मौजूद मिट्टी के जर्रात आहिस्ता आहिस्ता तह में बैठने लगते हैं। रोशनाई वगैरह आमेजों को अगर साकिन भी रखा जाए तो उनके नाहल पजीर जर्रात तह में नहीं बैठते, क्योंकि इस तरह के आमेजों में ठोस के जर्रात बारीक और हल्के होने की वजह से माए में चारों तरफ यकसा तौर पर फैल जाते हैं। छानने या निथारने के तरीके से भी ये जर्रात माए से अलग नहीं होते। तो आमेजे से इस किस्म के ठोस जर्रात किस तरह अलग किए जाएंगे? तजुर्बा गाह में माए और ठोस अलग करने के लिए मरकज गुरेज आला का इस्तेमाल होता है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन का इस्तेमाल होता है और इस तरीके का इस्तेमाल कहलाता है मेथड्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। जब हम मरकज गुरेज
कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए माए और ठोस के जर्रात अलग करते हैं तो वो कहलाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। इस आले में पंखे की तरह तेज रफ्तारी से घूमने वाली एक पर्स होती है। देखिए यहाँ पे आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि ये पंखे की तरह एक पर्स जो है वो घूमते रहती है ना। इस कर्स के किनारों से इम्तिहानी नलियों को जोड़ने की सहूलत होती है। मुख्तलिफ इम्तिहानी नली इसमें जुड़ी हुई होती है अलग अलग, और जब बहुत तेज़ रफ्तारी से इस मशीन को हाथ से या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के जरिए घुमाया जाता है तो जो कर्स है वो तेज़ी से घूमता है, जिसकी वजह से इम्तिहानी नली भी तेज़ी से घूमती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से माएँ और ठोस के ज़र्रात अलग हो जाते हैं। कर्स से जुड़ी नलियां तेज़ी से घूमते वक्त माए में मौजूद ज़र्रात को कर्स के मरकज से दूर ढकेलने वाली कुव्वत पैदा होती है, जिसकी वजह से आमेजे के ज़र्रात तह में जमा हो जाते हैं और आमेजे से अलग हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मरकज गुरेज मशीनें यहाँ पे आप लोगों को बताई गई है। तो है मैनुअल सेंट्रीफ्यूज, यानी कि हाथ से घुमाने वाली मशीन है ये। हाथ की मशीन है, इसको ये बहुत पोर्टेबल होती है, लाइट वेट होता है, इसका कोई भी मेंटेनेंस नहीं होता है ना। हम इसे कहीं जहां चाहे मर्जी ले जा सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी जो वो इलेक्ट्रिकल सेंट्रीफ्यूज होती है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली ये मशीन होती है। उसमें देखिए यहाँ पे एक बीच में कर्स होता है जिसमें बहुत सारी इम्तिहानी नलियाँ लगाने का कंपार्टमेंट जैसा होता है। उसमें इम्तिहानी नली को फिट करने के बाद इलेक्ट्रिक की मदद से वो बहुत तेज़ रफ्तारी से गोल घूमता है और फिर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा फ्रॉम ईच अदर। अगर हम खून के ज़र्रात को अलग करना है, हम खून में शामिल तमाम अज़ा को अलग करना चाहते हैं तो इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन के ज़रिए हम बहुत आसानी से उसे अलग कर सकते हैं और तमाम खून के ज़र्रात, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे, आप लोगों को और अच्छे से बताया गया है कि ये धाती कर्स होता है, उसमें इम्तिहानी नलियों को फिट करने के लिए खाने बनाए जाते हैं। इम्तिहानी नली या टेस्ट ट्यूब उसमें आमेजे को डालकर फिट कर दिया जाता है और जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से चलती है तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के जरिए इस माए से ठोस जो है वो अलग हो जाता है, तह में बैठ जाता है और माए ऊपर तैरता हुआ हमें दिखाई देता है। आगे हम देखेंगे, एक ही माए में दो या दो से ज़्यादा आशिया कलील मकदार में हल होती हैं तो लोन निगारी के तरीके का इस्तेमाल करके उन्हें एक दूसरे से अलग किया जाता है। इस तरीके का इस्तेमाल दवाओं की तैयारी में, कारखानों, साइंसी तजुर्बागाहों में नए अज्जा की तलाश के लिए, आमेजे के अज्जा पहचानने और उन्हें अलग करने के लिए किया जाता है। अब हमें एक अमल करना है, एक बीकर में थोड़ा पानी लेना है और बीकर पर ढक्कन रख देना है। एक तकतीरी कागज़ की लंबी पट्टी लेकर उसके एक सिरे से तकरीबन 2 सम की दूरी पर नीली रोशनाई का एक धब्बा लगाना है। हम कोई और कलर का भी धब्बा लगा सकते हैं और उसको पानी में खड़ा कर देना है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को 3 अलग अलग रोशनाई के धब्बे लगाकर समझाया गया है और बीकर पर ढक्कन लगा दीजिए। यह हम खुला भी रखेंगे तो चलेगा। कुछ देर बाद हम मुशाहिदा करेंगे कि जो रोशनाई का धब्बा है वो तकतीरी कागज़ पर एक मुकर्ररा ऊंचाई पर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे एक मुकर्ररा ऊंचाई तक ये धब्बा जो है वो आकर रुक जाता है। कुछ किस्म की रोशनाई में 2 या ज़ायद अज्जा होते हैं, वो अज्जा अपने अपने रंग में मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर जमा हो जाते होकर एक दूसरे से अलहदा नज़र आते हैं। यही तजुर्बा कागज़ की बजाय चौक का इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है। शय की 2 खसूसियात का इस्तेमाल करके इस तरीके में किया गया। मुनहिल शय के ऊपर चढ़ने वाले मुहल्लिल में मुनहिल की हल पजीरी और साकिन तकतीरी कागज़ से चिपकने रहने की सलाहियत, ये 2 खसूसियात हैं। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं और वो मुख्तलिफ मायात में मुख्तलिफ होती हैं। इस वजह से माए जूज तकतीरी कागज़ के आखिरी सिरे तक ना जाते हुए किसी कदर नीचे रहता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि ये जो रोशनाई का धब्बा है वो एक जगह जाकर क्यों रुक जाता है। आगे हम देखेंगे, लोन
इसी वजह बताइए, तो ये आप लोगों को निकालने के लिए छाछ बलोई जाती है। किताब का सवाल है, बलोने का अमल एक तरह से अलग करने का अमल है। छाछ में मुकम्मल तौर पर मक्खन के ज़र्रात फैले रहते हैं। मरकज गुरेज तरीके से छाछ को बलोने पर मक्खन के ज़र्रात छाछ से अलग हो जाते हैं। पहले ये अमल हाथों की मदद से किया जाता है, अब मरकज गुरेज आला की मदद से मज़ीद आसानी के साथ किया जाता है। लोन निगारी के तरीके में पानी कागज़ के सिरे तक चढ़ता है, जबकि आमेजे के ठोस ज़र्रात कम ऊंचाई तक चढ़ते हैं। तो इसका जवाब वही है जो अभी हमने कुछ देर पहले लोन निगारी के तरीके में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, आगे हम देख सवाल, मौसम गर्मा में पानी रखने के बर्तन पर बाहर से गीला कपड़ा लपेटते हैं। तो इस सवाल का जवाब है, मौसम गर्मा यानी गर्मी में ज़्यादा हरारत की वजह से गीले कपड़े का पानी भाप बनता है। भाप बनने के लिए वो कुछ हरारत पानी रखने के बर्तन से लेता है। इस तरह बर्तन में रखा हुआ पानी ठंडा रहता है, इसलिए मौसम गर्मा में पानी रखने के बर्तन पर बाहर से गीला कपड़ा लपेटते हैं। आगे का हमारा सवाल है, अमल कशीद का अफ्रीकी तरीका में फ़र्क है ना, हमने दो तरीके यहाँ पे पढ़े हैं तो उस दोनों में हमें फ़र्क बताना है। तो महलूल में से मुनहिल को अलग करने के लिए अमल कशीद का तरीका इस्तेमाल करते हैं, और तफरीकी तरीके में एक दूसरे में हल ना होने वाले दो मायात के आमेजे से दोनों मायात को अलग किया जाता है। इस अमल में हरारत की ज़रूरत होती है और तफरीकी तरीके में हरारत की ज़रूरत नहीं होती है। आगे देखेंगे आमेजा और मुरक्कब में फ़र्क। आमेजा और मुरक्कब में फ़र्क आप लोगों के सामने है। आमेजा दो या दो से ज़्यादा अनासिर या मुरक्कबात को एक दूसरे से मिलाने पर आमेजा तैयार होता है। दो या दो से ज़्यादा अनासिर के कीमियाई मिलाप से बनने वाली शय मुरक्कब कहलाती है। आमेजे के अज्जा मुख्तलिफ नहीं होते, मुतय्यन नहीं होते, मुरक्कब के अज्जा जो है वो मुतय्यन होते हैं। आमेजा बनते वक्त किसी किस्म की कोई कीमियाई तब्दीली नहीं होती, मुरक्कब बनते वक्त कीमियाई तब्दीली होती है। आमेजा बनते वक्त कोई नई शय तैयार नहीं होती, मुरक्कब बनने पर नई शय तैयार होती है। इसकी मिसाल है हवा, शरबत, फौलाद वगैरह, और मुरक्कब की मिसाल है नमक, शक्कर, पानी वगैरह। आगे जो खाली जगह पुर कीजिए, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल है, ये चीज़ जिससे बनती है, साइंसी इस्तेलाह में इसे खाली जगह कहते हैं। तो साइंसी इस्तेलाह में इसे कहते हैं मादा। तो हमारा ऑप्शन नंबर दो सही जवाब रहेगा। आप लोगों की स्क्रीन के सामने गैर खालिस माए अशिया को खालिस बनाने के लिए खाली जगह तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तफरीकी तरीका, अमल कशीद, दो ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें सही ऑप्शन जो है वो अमल कशीद है, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। तीसरा, हमारा एक ही माय में दो या दो से ज़्यादा अशिया कलील मकदार में हल होती हैं, तो खाली जगह के तरीके का इस्तेमाल करके उन्हें एक दूसरे से अलग किया जाता है। इसके लिए दो ऑप्शन दिया गया है, लोन निगारी, अमल कशीद। तो इस सवाल का जवाब रहेगा लोन निगारी। खाली जगह में क्या लफ्ज आएगा? लोन निगारी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपको अब घर काम करना है। घर काम के लिए सवालात आपको दिए गए हैं। सवाल नंबर एक है, आमेजे के मुख्तलिफ अज्जा आसान तरीकों से किस तरह अलग किए जाते हैं, इसको आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा सवाल है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में मरकज़ गुरेज तरीके का इस्तेमाल कहाँ और क्यों होता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये दो सवालात घर काम के लिए हल करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये सवालात समझ में आए होंगे। घर काम का सवाल का जवाब हल कीजिए और अपने स्कूल के ग्रुप पर फॉरवर्ड कीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।